फिर से तेज हो गई है। चर्चा ये कि क्या लॉकडाउन फिर से आने वाला है या नहीं। लोग फोन करके एक दूसरे से पूछने लग रहे हैं कि क्या 15 जून से लॉकडाउन लग जाएगा या फिर नहीं लगेगा। कम से कम दिल्ली और मुंबई में तो लोग ऐसे ही बातें हैं। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि दोनों बड़े शहरों में हालात खराब है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। कोई गली मोहल्ला या सोसाइटी नहीं बचा जहां पर कोरोना के मरीज ना मिले हों। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अनलॉक वन में बाजार से लेकर सब कुछ खुल गया है, जबकि कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली बेहाल है और मुंबई वुहान से आगे निकल चुका है। वुहान वही शहर है चीन का जिससे कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था। अगर ऐसे ही कोरोना वायरस फैलता रहा तो काफी मुसीबत आन पड़ेगी। भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना केसेस पाए गए हैं और दूसरे नंबर पर गुजरात है और तीसरे नंबर पर दिल्ली। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके मुताबिक कोई भी राज्य सरकार उसमें ढील नहीं दे सकता। अब ये तो प्रधानमंत्री ही डिसीजन लेंगे कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है या नहीं, या 15 जून से लॉकडाउन लगेगा या नहीं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मशवरा करकर प्रधानमंत्री का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। तो देखिए, सरकार के लोगों का और एक्सपर्ट्स का एक तरह से यही मानना है कि कम से कम दिल्ली और मुंबई में एक बार शायद ये संभावना जताई जा रही है कि लॉकडाउन हो। और किसी बात से दिल्ली और मुंबई के लोगों में और इससे जुड़े लोगों में ये चर्चा बहुत ज्यादा तेजी से शुरू हो गई है कि क्या लॉकडाउन फिर से आएगा या नहीं।